हाँ फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और हम नेटवर्क के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो नेटवर्क के कोर्स के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया था। तो यहाँ पर नेटवर्क की जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, स्विच के बारे में आप समझे और स्विच को कैसे आपस में कनेक्ट करना होता है, ये मैंने आपको समझाया था। ओके, और स्विच टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप की कनेक्टिविटी, और भी मैंने आपको सॉर्टेड पार्ट ब्रिजिंग सिस्टम समझाए थे, SPB जिसको बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं जाकर देखिए, समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो हमारा ब्रिज रिपीटर हब स्विच राउटर NIC कार्ड ESL वायरलेस कार्ड कोर राउटर फायरवॉल वायरलेस एक्सेस पॉइंट गेटवे सब कुछ मैं समझा दिया था। हमारा जो 13 नंबर का इथरनेट केबल के बारे में, इथरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, फिर इसके बाद मैं केबल मॉडेम के बारे में समझाऊँगा, ट्रांसफर रिसीवर वगैरह सब कुछ मैं आपको वन बाई वन समझाऊँगा। हमारी पिछली वीडियोज के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमारा कोई भी कनेक्शन हो वो किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से वर्कआउट होता है, सब कुछ जो है मैंने आपको वन बाई वन बताया था, समझाया था। और पिन आउट सिस्टम और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाई वन समझाया था। ओके, और मैंने आपको जितने भी वन बाई वन इथरनेट पोर्ट डिज़ाइनिंग और वर्क के बारे में समझाया था। ओके, और स्विच टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। ओके, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स भी मैंने आपको समझाए थे। ओके, तो वो भी जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जितने भी हमारे इथरनेट पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट की टेक्नोलॉजी वगैरह जो है मैंने आपको समझाया था। ओके, और ऊपर से मैंने RJ45 कनेक्टर्स वगैरह समझाए थे, मैंने आपको बताया था। ओके, RJ45 कनेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है, किस तरह से होता है, ऊपर से मैं रजिस्टर जैक और स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताया था। ओके, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। पिछले वीडियोस में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाया था, तभी आपको इस वीडियो की जानकारी मिलेगी, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये सब कुछ जो है मैंने समझा दिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, RJ45 के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ RJ45 क्या है, इसका स्ट्रक्चर कनेक्टर RJ45 का क्या है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं कि RJ45 कनेक्टर का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से हमारा जो इंपॉर्टेंट शेप में जो है वो बनाया गया, बताया गया है। ओके, फिर उसके बाद मैं इथरनेट कनेक्टिविटी समझाऊंगा। ओके, इसी के ही रिलेटेड नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं RJ45 कनेक्टर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर, जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके,
तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस फिजिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कॉम्पोनेंट ऑनलाइन ट्रेनर के नाम से, ओके। तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की है, ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर, ओके। तो जितने भी आप जैसे थे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो तो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर, ओके। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी प्लेलिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए।
ओके और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, RJ45 इथर सिस्टम की हम बात करते हैं, तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि RJ45 इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्ट्रक्चर है, इसका ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्ट्रक्चर होता है और उसकी पिन जो होती है 8 पिन होती है। ओके ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि आपके सामने है। ओके और इसके टोटल 8 पिन होती है। ओके और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, इट इज़ 8PSC कनेक्टर जिसको बोलते हैं। ओके 8PSC बोलते हैं एंड द नंबर ऑफ वायर दैट कैन बी कनेक्टेड इज 8। ओके हमेशा इसके अंदर जो वायर कनेक्ट होगी वो 8 वायर टोटल कनेक्ट होती है, टोटल 8 मतलब 8 लाइन कनेक्ट होते हैं। द चेक आर मोस्टली यूज विथ सील टेस्टर पेयर केबल। ओके और दूसरा और सील टेस्टर पेयर केबल, तो सील पे टेस्टर केबल हो या फिर अनसील टेस्टर पेयर केबल हो, यहाँ पर आपको दोनों केबल के अंदर यही केबल की अंदर यूज होने वाला आपको ये कनेक्टर होता है। ओके इफ वी टेक अ क्लोज लुक एंड ऑफ द इथर केबल कनेक्टेड टू RJ45 वी कैन सी 8 वायर आउट ऑफ 4 वायर विथ सॉलिड कलर एंड 4 स्ट्रिप कलर। ओके तो अगर ध्यान से उसको देखोगे, नज़दीक से देखोगे इथर केबल को, तो जब हम उसके अंदर RJ45 का कोई भी हम वायर देखते हैं तो टोटल 8 वायर होते हैं, जिनमें 4 जो होते हैं वो पूरे कलर के साथ होते हैं और ये दूसरे जो 4 उसके साथ जो है वो स्ट्रिप कलर होते हैं। ओके द क्लासिफिकेशन इसका ये है कि RJ45 डन बेस्ड ऑन वायरिंग के अंदर होता है, कुछ हमारा इंक्लूड होते हैं CAT5E केबल, कुछ ऐसे CAT6 केबल, आज के टाइम के CAT7 CAT8 ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर। ओके इसकी स्पीड अच्छी होती है, उसकी प्योरिटी कॉपर की अच्छी होती है। ओके तो मार्केट में ऐसे आपको बहुत सारे जो है केबल की कनेक्टर्स मिल जाते हैं, 350-350 रुपये में पूरा बॉक्स आता है, इसका पैकेट आता है कनेक्टर्स आपको। ओके तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पेयर होती है ये मेन इम्पोर्टेंट होती है। ओके केबल से पहले हमारे पिन के अंदर कौन कौन से पिन से हमारे कनेक्टर की, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारा अगर क्रॉस केबल बनाना, ये क्रॉस केबल है जैसे थे, तो एक्चुअली में जो डेटा ट्रांसफ़र करने वाली जो लाइन जो है 1-3 है, 2-6 है, 3-1 है, ये 6-2 है। ये कैसे पता चलेगा, कैसे सेटअप करते हो, ये पिन से ही आप करते हैं। ओके तो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि RJ45 प्लग की पहली पिन से 8वीं पिन तक का पूरा आपका पास नॉलेज होना परफेक्ट, वो भी परफेक्ट होना जरूरी है। ओके वरना आपको जो है प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो क्रॉस कनेक्शन मतलब कि क्रॉस का ओवर केबल आप बना रहे हैं, तो क्रॉस ओवर केबल कहाँ लगेगा वो भी आपको आना चाहिए। तो अगर 8 पिन का वायर है तो 1 को बड़ा में लगाया और दूसरा वायर उसका किसी स्विच के अंदर लगाया तो क्रॉस केबल काम नहीं आएगा, क्योंकि स्विच में से कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो आपको स्ट्रेटर केबल यूज़ करना चाहिए। ओके तो हमारा ध्यान से रखें कि 4 सॉलिड कलर मतलब कि पूरे कलर में मिलते हैं हमें, और 4 जो है मतलब कि एक फ्लिपिंग टाइप के कलर्स होती है, कलर्स तो होते हैं लेकिन इसके ऊपर ग्रीन साइड के अंदर को कलर देखने को मिलते हैं। द कलर ऑफ RJ45 वायरिंग इंक्लूड के अंदर वाइट ग्रीन होता है। ओके देख सकते हो यहाँ पर वाइट ग्रीन है, दूसरा होता है ग्रीन, इसी के अंदर ग्रीन है,
पिक पहली पेयर होगी कंप्लीट होगी। एक पेयर के एक सिंगल पेयर के अंदर दो वायर होते हैं, दो कनेक्शन होते हैं जिनमें एक सॉलिड होता है और एक साथ दूसरा जो होता है वाइट और उसके साथ मिला होता है उसका ग्रीन एरिया। फिर हम दूसरे की बात करते हो, ये ऑरेंज है, ध्यान से देखिए ऑरेंज है, तो ऑरेंज के अंदर ध्यान से एक पूरा वाइट ऑरेंज मिलता है पेड़ में, फिर दूसरे में पूरा जो है ऑरेंज मिल जाएगा। ओके, फिर आपको ब्लू मिलेगा, ब्लू के अंदर भी आपको वही चीज़ एक पूरा ब्लू वायर मिलेगा और दूसरा जो है ब्लू वाइट मिलता है। तो एक कलर कोडिंग है, कलर को पहचानने की, वायर के लाइन को पहचानने की ये जो है एक सिस्टम बनाई गई, एक जो कहे कि आइडेंटिफाई कर सको आप लाइन को, इस वजह से इसको बनाया गया। फिर ऑरेंज वाइट और फिर वाइट ब्राउन, तो यहाँ पर जैसे कि वाइट है तो वाइट ब्राउन भी आपको मिल रहा है, बल्कि जैसे कि ये वाइट ब्राउन है और फिर ये ब्राउन है। ओके, तो इस तरह से आपको चार तरह के कलर और चार तरह के कलर्स के साथ उनके साथ भी दो और कलर मिलते हैं। ओके, अब जब भी हम कोई भी कनेक्टर बनाते तो उस कनेक्टर का एक नंबर आईडी होता है, यूनिक आईडी नंबर होता है। तो ऑन दिस ऑन इज आरजे 45T568 ए लिखा हुआ है, मतलब कि केबल की ए कोर लिखा हुआ है, तो इसको हम ए बोलेंगे और इसी केबल के दूसरे और भाग को दूसरे भाग को हम बोलेंगे बी बोलेंगे, तो ए और बी। तो हम जो है 568 बी और 568 ए बोले तो समझ लो कि एक केबल की ओर दूसरे केबल की ओर बी बोले तो बी। ओके, दे आर डिफरेंट बिकॉज पोजिशन चेंज ऑरेंज एंड ग्रीन वायर्स। ओके, हमेशा याद रखना कि पोजिशन जो है चेंज होती है क्रॉस केबल की और स्ट्रेट थ्रू केबल की। ओके, जरूरी नहीं कि कलर कोड ही हो, मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं मुझे कलर कोड के बिना भी कोई भी दूसरा कलर से भी मैं आपको बना सकता हूँ, बता सकता हूँ स्ट्रेट थ्रू केबल, लेकिन आपको भी कलर कोडिंग का ही समझना है। ओके, तो आरजे 45 के अंदर 568 ए जो है वो ग्रीन कलर से शुरुआत करते हैं, तो फिर कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये सब कुछ वायरिंग आपको आनी चाहिए। तो वायरिंग कम्स बिफोर ऑरेंज वायरिंग एंड द केस ऑरेंज बी वायरिंग तो कम्स बिफोर ग्रीन वायरिंग। ओके, तो कहने का मतलब कि जब कोई भी आप ग्रीन कलर वायरिंग लेते हो तो उससे पहले ऑरेंज वायरिंग आता है या ग्रीन आता है या ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज वाइट आता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसे ही कहते हैं हम कलर कोडिंग। चाहे फिर ये अनसील्ड टेस्टर पर केबल हो या सील्ड टेस्टर पर केबल हो, सील किया हुआ टेस्टर पर केबल, सभी के अंदर सेम ही स्ट्रेटजी यूज होती है। ओके, अनदर डिफरेंस बिटवीन टू आरजे 45, इसके अंदर दूसरा जो डिफरेंस है वो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी होती है। ओके, ओल्ड वायरिंग्स वेयर एज आरजे 45 ऑफर मोर रेजिस्टेंट टू नॉइज इन द सिग्नल, क्योंकि ज़्यादा पुरानी वायरिंग है, ऐसी वायरिंग जिसके अंदर अच्छी तरह से सिग्नल्स नहीं जाते हैं तो वो रेजिस्टेंट पैदा करते हैं और नॉइसेस भी ज़्यादा होती है, इस वजह से सिग्नल जो है अच्छी तरह से जा नहीं पाती, स्पीडली फास्ट जा नहीं पाते और हमारा डेटा भी हमारे बहुत ही स्लो मिलता है या फाल बहुत ही कम धीरे, मतलब कि वो ट्रांसफर भी बहुत धीमा कर देती है। ओके, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छा है केबल या नहीं है, तो आपको कैट 6 से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि इसकी कॉपर क्वालिटी अच्छी होती है, और इससे भी अच्छा बेहतर है तो कैट 8 पर चले जाओ। ओके, कैट 8 के अंदर भी बहुत अच्छा कॉपर क्वालिटी होता है, लेकिन पहले देख लेना कि सेडेड कॉपर केबल है या अनसेडेड कॉपर केबल है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेरे सामने ध्यान से कि चार तरह की पेयरिंग है। ओके, ये ग्रीन वाइट है, फिर उसके साथ ग्रीन है, ये ऑरेंज वाइट है इसके साथ ऑरेंज है, ये ब्राउन वाइट है तो इसके साथ ब्राउन भी है दूसरा, फिर ये ब्लू वाइट है और उसके साथ ब्लू भी है। टोटल 8 वायर निकल कर आती है एक किट केबल के अंदर से, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ओके, तो केबल को छीलने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो मैं क्रिम्पिंग में समझाऊंगा। ओके, वो किस तरह होती है, किस तरह से होती है, किस तरह से इसको सेटअप करते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। ये इतना समझो कि केबल जब हम छीलते हैं ट्विस्टर पर केबल, तो कुछ अंदर से ऐसा निकल कर आता है। ओके, अब हम कनेक्टर्स की बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट कनेक्टर होता है
इस कनेक्टर का इम्पोर्टेंस ये होता है कि आपको पिंस पता होनी चाहिए और इसके स्ट्रक्चर के एरिया में बताना चाहता हूँ मैं। ओके, तो ये जो ध्यान से देखें कि कहीं कहीं पर भी आप इंडोर हो या फिर ऑफिस में हो, कहीं पर भी आपका नेटवर्क हो, जहाँ से कनेक्टर का केबल आप कनेक्ट करते हो तो वहाँ से 100 मीटर के अंदर होना चाहिए। ओके, और इंडोर के अंदर होना चाहिए। अगर आप अनसील्ड स्टेपर केबल यूज़ करते हो, सील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, तो अनसील्ड जिसको यूटीपी बोलते हैं और एसटीपी जो है सील्ड स्टेपर केबल, आप आउटडोर भी यूज़ कर सकते हो लेकिन इनडोर के अंदर यूटीपी यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके अंदर 100 एमबीपीएस से लेकर 1000 एमबीपीएस की स्पीड आपको मिलती है। और आज के टाइम के अंदर अगर इसको आप फाइबर के साथ यूज़ करते हो तो 10 Gbps की स्पीड मिलती है आज के टाइम के अंदर, पॉसिबल है। ओके, उसकी मेगाहर्ट्ज की बात करें तो 250 AV आज के टाइम के अंदर बढ़ा दिया गया है। ओके, और कैट 6 के अंदर काफ़ी बेहतर हमें आपको रिजल्ट मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इथरनेट की केबल की कनेक्टिविटी और वायर का कनेक्शन कैसे करना चाहिए, कैसे पता करना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा और यहीं से मैं शुरू करूँगा। तो सभी वीडियो को, सभी सिस्टम को देखे समझे, वरना को पता नहीं चलेगा। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए, और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम पावर को किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।